أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وآله وبارك وسلم، السلام عليكم. مجھے بتائیے گا آواز اور سکرین دونوں چیزیں کلیئر ہیں؟ آواز سکرین اور کیمرہ آپ لوگ چیٹ میں لکھ کے بتائیے. जी, तो लास्ट टाइम वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर टू, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, इस चैप्टर का नाम है. और हम लोगों ने कहानी स्टार्ट की थी कुछ बेसिक बातों के साथ. हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो आपका चैप्टर है दैट फॉल्स इन ग्रेड बी, और ग्रेड बी के अंदर दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट chapters. I kept focus this chapter ki taraf hota hai in the form of short case studies. ठीक है, वो तीन नंबर के लिए, चार नंबर के लिए यहाँ से सवाल निकालता है और normally वो offer वाले area को check कर रहा होता है. We talked about के offer किसे कहते हैं. We talked about promise क्या है और कैसे promise agreement में change होता है और कैसे agreement कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होता है. मुझे बताइए इस पेज के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आस्क. यहां पे अगर किसी का कोई सवाल है तो जरूर मेरे से पहले पूछ लें. आप टाइप करके भी पूछ सकते हैं और आप वॉइस में भी पूछ सकते हैं. और अगर सवाल नहीं है तो यू कैन सिंपली टाइप नो या एन, सो दैट आई गेट एन अश्योरेंस कि भाई चीजें आपको क्लियर. ओके, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 40 डेज प्लान क्या था बेसिकली. 40 डेज प्लान था कि हम जितना क्लास में कवर कर रहे हैं आप उतना घर पे भी तैयार कर रहे हैं. तो आफ्टर डे वन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि आप लोग खुद पे जुल्म कर रहे हैं. ठीक, तो हमें ऐसा नहीं करना और हमें अपनी तैयारी साथ साथ करते रहना. तो अगर आपने कल की पढ़ाई मिस कर दी है घर जाके, नहीं कर पाए, तो आज उसको लाजमी कवर करें और ताकि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप साथ साथ चल सकें. ऑलराइट, then further we talked about the equations ke proposal plus acceptance is equal to promise, or promise mein jab hum log consideration add kar dete hain it becomes an agreement, agreement jab legally enforceable ho jaye to contract ban jata hai. Legal enforceability kya hai? Legal enforceability is ke both the parties are bound by law to perform their पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस. उन्होंने अपना वो वाला वादा पूरा लाजमी करना. अगर वो नहीं कर रहे तो डेफिनेटली फिर अदालत उनसे वो काम करवाती है. और ये लीगली बाउंड कब होता है? जब उसका नाम, जब वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके साइन, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका बयान किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाता है और वो कानून में जमा करा दिया जाता है. Then it becomes legally bound. Then further we talked about some express and implied concepts. के express के अंदर आप चीजें बोल के बताते हैं, लिख के बताते हैं. जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, I am delivering an express lecture to you. मैं लिखूंगा तो ये भी express होगा. But अगर मैं सर हिला रहा हूँ, अगर मैं आंख मार रहा हूँ, अगर मैं nod कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरह कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, दिस इज इम्प्लाइड, दिस इज इम्प्लाइड, ये बाय एक्शन है. अगर मैं ऐसे कर रहा हूं बाय एक्शन, तो यहां पे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, लेट मी नो द इश्यूज, लेट मी नो द प्रॉब्लम्स. कोई सवाल ऑन दिस पेज? एनीवन?
फर्दर वी टॉक्ड अबाउट डेफिनेशन ऑफ ऑफर, ये वही है जो कि हमने पहले पढ़ी थी। कल एक सवाल आया हुआ था मुझे कि सर क्या डेफिनेशन हमें वर्ड टू वर्ड याद करनी चाहिए? तो अनफॉर्चुनेटली यस, क्योंकि डेफिनेशन को एक ऐसा एरिया है, चाहे वो बिजनेस लॉ की हो, चाहे आगे जाके कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, चाहे ऑडिट की हो, इवन मैनेजेरियल पोर्शन के अंदर जो कि आपका एमएफए का पोर्शन है, डेफिनेशंस आर द थिंग्स जो कि आईकैप का एग्जामिनर बर्दाश्त नहीं करता। वहां पर उसका टॉलरेंस लेवल गिर जाता है। वो कहता है कि यार डेफिनेशंस तो बच्चा वही रखे ना जो कि उसको किताब में मिल रही है। हाँ, अपना कॉन्सेप्ट अगर वो डेफिनेशंस में इनकॉर्पोरेट करता है तो एग्जामिनर डजंट लाइक इट दैट मच। वो समझता है कि यार ये आप ही कह सकते हैं कि एक खूबसूरत डेफिनेशन को उसने तोड़ मरोड़ के अपने अल्फाज में बयान कर दिया, इवन दो कि उसका मतलब उसका मीनिंग वही होगा जो कि वो डेफिनेशन आपको दे रही थी। आपने उसको एक्सप्रेस सही किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर वो इस चीज को नहीं मानता, उसको कैटर नहीं करता। वो कहता जो किताब में लिखा होगा मुझे वही चाहिए। डेफिनेशंस के मामले में ही इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, मगर जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपसे मैंने कहा था कि इसमें जो जहां भी आपको लिस्ट आए नजर आए, बुलेट्स वगैरह नजर आए, नंबरिंग सीक्वेंस जहां पे आपको नजर आए, वो भी चीजें आप लोगों ने याद कर लेनी है। अगर कोई केस स्टडी आ रही है तो यस, केस स्टडी का आंसर आप अपने अल्फाज में जरूर लिखें, उसको अपने जो है अल्फाज के साथ जरूर उसको आंसर करें, मगर डेफिनेशंस के लिए कोशिश करें कि किताब वाली वर्डिंग ही इस्तेमाल करें। तो ऑफर के डेफिनेशन में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ऑफर के डेफिनेशन में कोई सवाल? डन। देन वी टॉक्ड अबाउट सम एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वो जरूरी बातें हैं। अब यहां पे देखें लिस्ट आ गई है। अब अगर आपसे आईकैप पूछ रहा है कि भाई ऑफर के एसेंशियल्स के ऊपर बात करें, ऑफर के एसेंशियल्स हमें बता दें, तो यहाँ पे आपने ये लिस्ट लिख देनी है। ठीक, कब कब एक ऑफर वैलिड ऑफर मानी जाती है, इसका बड़ा कॉमन सा सवाल है, ये लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो आईकैप ने लिस्ट को भी पूछना है, आईकैप ने डेफिनेशंस को भी पूछना है, आईकैप ने सिनेरियो बेस्ड सवालों को भी पूछना है। तो जहां पे आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कब कब ऑफर एक वैलिड ऑफर कहलाती है, नंबर वन, ऑफर कैन नॉट बी मेड टू योरसेल्फ। आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते। मैं अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता कि चला यार मैं तुझे आज समोसे खाने चलता हूँ, इट्स नॉट एन ऑफर। मैं अपनी गाड़ी खुद को नहीं बेच सकता, मैं अपनी गाड़ी की ऑफर खुद को नहीं दे सकता। ठीक, तो ऑफर कैन नॉट बी मेड टू योरसेल्फ। देन इट शुड बी सर्टन, इट शुड बी डेफिनेट। मैं दुकानदार के पास जाऊं और उसको बोलूं कि यार मुझे पीले रंग का फल चाहिए। अब पीले रंग का फल आम भी है, केला भी है, आपका मेलन भी है, खरबूजा भी है, तो दिस इज नॉट सर्टन। मुझे आम कहना चाहिए, मुझे केला कहना चाहिए, या मुझे वो चीज हाथ में पकड़ के उसको बतानी चाहिए कि भाई ये कितने का है और क्या तुम ये चीज मुझे दोगे या नहीं दोगे। तो दैट शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट ऑल्सो, पता हो, कोई इबहाम ना हो, कोई चीज छुपी हुई ना हो। कंडीशनल हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है, आप अपनी ऑफर के अंदर कुछ स्पेशल टर्म्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि यार ये ऑफर 4 दिन तक वैलिड है, ठीक है, 4 दिन तक हमारी ऑफर चल रही है, आप बाएं और इससे फायदा उठा दें। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस ऑफर का जवाब अगर मुझे खत में ना आया तो मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस को कबूल नहीं करूंगा, दैट इज कंडीशनल। तो किसी भी तरह की कोई कंडीशन मैं अपनी ऑफर में लगा सकता हूँ, कानून मुझे लगाने से नहीं रोकता बल्कि वो अलाउ करता है। फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। मुझे बताइए इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर तक बात समझ आ गई है? यहां तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या ये डिफरेंस क्लियर हो गया इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर का? हमने जो एंड के ऊपर एक चार्ट बनाया था, वो चार्ट सबको क्लियर है कि कब एक ऑफर ऑफर कहलाएगी और कब वो ऑफर इनविटेशन टू ऑफर बनी होगी। जहां पे मैं इंक्वायर कर रहा हूँ, जहां पे मैं चीजों को पूछ रहा हूँ, वो इनविटेशन है। बट जहां पे मैं एक सर्टन बात कर रहा हूँ, एक डेफिनेट बात कर रहा हूँ, जी
मैं ये बात कर रहा था कि जहां पर मैं एक सर्टन बात कर रहा हूँ, एक डेफिनेट बात कर रहा हूँ, वो ऑफर है, मगर जहां पे मैं कुछ चीज इंक्वायर कर रहा हूँ, कुछ चीज पूछ रहा हूँ, वो इनविटेशन टू ऑफर है। फिर अगर प्राइस टैग साथ लगा हुआ है, प्राइस मेंशन है, तो फिर वो ऑफर है, और अगर प्राइस टैग मेंशन नहीं है, देन इट इज इनविटेशन टू ऑफर। आप इसकी मिसाल यू भी ले रहे कि मैं एक फल वाले के पास जाऊं और फल वाले से कहूं, यार ये मुझे आम चाहिए, एक सेकंड, मैं फल वाले के पास जाऊं और जाकर उसको बोलूं कि यार मुझे आम चाहिए। अब अगर तो उस फल वाले ने तख्ती लगाई हुई है कि आम 120 रुपए किलो है और ऊपर लिखा हुआ है फिक्स, मैं ऑफर कर रहा हूं, मैं ऑफर कर रहा हूं, और अगर उसने तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है 120 रुपया और फिक्स का वर्ड यूज नहीं किया हुआ, यानी कि प्राइस निगोशिएबल है, प्राइस में बारगेनिंग की ऑप्शन मौजूद है, तो फिर ये हमारी ऑफर नहीं रहेगी। ये क्या होती है, अभी मैं आपसे बात करता हूँ। बट अगर मैं उससे जाके इंक्वायर कर रहा हूँ कि यार ये आम कौन से हैं, किस क्वालिटी के हैं, कैसे हैं, मीठे हैं या नहीं है, तो बेसिकली मैं उसको इनविटेशन टू ऑफर दे रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ, मुझे इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ, ये क्या है, नस्ल कौन सी है, कितने मीठे हैं, कहाँ से लेकर आए हो, तो मैं उससे चीजें इंक्वायर कर रहा हूँ, इंक्वायरिंग है। वो कार्ड के ऊपर पड़े हुए आम, बेसिकली दे आर इनवाइटिंग मी टू आस्क अबाउट द प्राइस, अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द प्रोडक्ट। मुझे बताइए एनी क्वेश्चन ऑन दिस कंप्लीट स्लाइड, कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो पूछिए। जी, क्या यहां तक सबको चीजें क्लियर है, सारी बातें यहां तक समझ आती है, कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, आर यू श्योर? ओके, नाउ देन लेट्स स्टार्ट। लैप्स ऑफ ऑफर, आज का कॉन्सेप्ट लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स कहते हैं कि एक ऑफर कैसे कैसे खत्म की जा सकती है, खत्म करना, एंड कर देना, यानी कि वो कौन से मेथड्स हैं जिससे हम अपनी ऑफर को खत्म कर सकते हैं, हमारी ऑफर लैप्स हो जाती है। सबसे पहली चीज, मैंने ऑफर की, अभी मेरी ऑफर रास्ते में दूसरी पार्टी तक नहीं पहुंची, मैंने ऑफर की, दूसरी पार्टी तक अपना पैगाम पहुंचाया, मैंने खत लिखा, अपने घुड़सवार को दिया और घुड़सवार से कहा कि यार ये खत मेरा लेकर जाओ दूसरे शहर में फलां के पास। अब मेरा घुड़सवार घोड़े पे बैठ के निकल चुका है, अभी मेरा घुड़सवार रास्ते में, मैं पीछे से मजीद एक और घोड़े पे भागता हुआ स्पीड के साथ आया और उसको आके ओवरटेक किया और उसे कहा बस मैं अब ये ऑफर नहीं करना चाहता, चलो आओ वापस से, आओ वापस से। बेसिकली दूसरी पार्टी तक ऑफर पहुंचने से पहले पहले आप अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हो, दूसरी पार्टी तक ऑफर पहुंची ही नहीं, उस दौरान आप अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी, लेट सपोज खत पहुंच गया, मेरा खत उस पार्टी तक पहुंच गया, मगर उसने खत खोल के पढ़ा ही नहीं, पहुंच गया है, जब मेरा खत पहुंच गया, मेरी ऑफर कंप्लीट हो गई, मेरी ऑफर कंप्लीट होगी, मगर उसने पढ़ा नहीं, जब उसने पढ़ा नहीं तो ना उसने यस का आंसर किया होगा, ना नो में उसने आंसर किया होगा, तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर
एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी, और ऑफरी कौन होता है, जिसने यस या नो करना होता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले मैं अपनी ऑफर रिवोक कर सकता हूं, उसके जवाब से पहले पहले, इससे पहले कि वो इकरार कर दे, मैं अपनी ऑफर को वापस खेल सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं, बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्टेंस मैं अपनी ऑफर को वापस खेच सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का एक फीचर है ब्लू टिक्स वाला. आपने मैसेज टाइप किया, दूसरी पार्टी तक वो पहुंचा मगर उस पर सिंगल टिक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये अभी तक उस पार्टी को डिलीवर नहीं हुआ, अभी तक वो रास्ते में है. और अगर मेरे पास सिंगल टिक आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं उसको वाइल से डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट फॉर ऑल. तो मैंने यहां से डिलीट कर दिया, वहां पर डिलीट हो गया. इसका मतलब है कि मेरी बात पहुंचने से पहले पहले मैंने उसको विड्रॉ कर दिया. नंबर टू, मैंने मैसेज टाइप करके भेज दिया, वहां पर डबल टिक हो गया मगर ब्लू नहीं हुआ, डबल टिक हो गया मगर ब्लू नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है? खत उस तक पहुंच गया, मैसेज उस तक पहुंच गया, उसने रीड नहीं किया. तो जब तक वो रीड नहीं करेगा, तब तक वो हाँ या ना में जवाब भी नहीं देगा, और तब तक आई हैव चांस कि मैं उसको वापस से विड्रॉ करवा सकूं, उसको डिलीट कर सकूं. मगर जैसे ही उसने पढ़ लिया, जैसे ही उसने पढ़ लिया, उसने रीड कर लिया और वो आंसर दे चुका, यानी कि उसने मैसेज रीड करने के बाद अपना मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया, अपनी एक्सेप्टेंस वो मेरे तक भेज रहा है, अब मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता. तो ऑफर लैप्स की जा सकती है बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर, ये बात याद रखिएगा. फिर कभी कभी आप क्या करते हैं, ऑफर के अंदर कुछ टाइम पीरियड ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि ऑफर 2 दिन तक वैलिड है, 3 दिन तक वैलिड है, और अगर वो 2 दिन 3 दिन गुजर जाए, अगर वो 2 दिन या 3 दिन गुजर जाए, टाइम लैप्स हो जाए, वक्त खत्म हो गया, तो वो जो लैप्स ऑफ टाइम है जो कि आपने ऑफर में स्पेसिफाई किया था, बताया था, तो वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद मेरी ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है, ये ऑटो पे रिवोक हो जाती है. आपने लिखा था कि डिस्काउंट 4 दिन तक अवेलेबल है, 5वां दिन हुआ, अगर कोई आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, आप क्या कहेंगे? टाइम लैप्स हो गया, खत्म हो गई बात, ये सब पुरानी बातें खत्म हो गई. तो वो वाली ऑफर डिस्काउंट वाली अब लैप्स है, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड गुजर चुका. अगर कोई टाइम आपने मेंशन नहीं किया हुआ, तो फिर रीजनेबल टाइम देखा जाता है. आपने बस ये लिखा था कि ऑफर वैलिड है या हम लोग ऑफर कर रहे हैं, आपने नहीं मेंशन किया कि फॉर हाउ मेनी डेज. तो अब अगर दूसरी पार्टी 2 साल के बाद आपसे रब्ता करे और कहे कि यार वो आपकी ऑफर चल रही है, मुझे इस पर डिस्काउंट दे दो, तो आप क्या कहेंगे? जाने दे, कब की खत्म कर चुके हम लोग. वो कहेगा सर आपने तो बताया नहीं था. तो आप क्या कहेंगे? यार एक रीजनेबल टाइम भी तो होता है. अगर हमने आपको टाइम नहीं बताया, तो जो नॉर्मल मार्केट टर्म्स के मुताबिक टाइम चलता है, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना मैक्सिमम डिस्काउंट उतनी ही होती है. तो अगर आपने टाइम मेंशन किया हुआ है, तो वो स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद आप अपनी ऑफर को ऑटो पे रिवोक कर सकते हैं. और अगर कोई रीजनेबल टाइम मेंशन नहीं है, सॉरी अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो फिर वो रीजनेबल टाइम देखा जाएगा, और जैसे वो क्रॉस हो गया, आपकी ऑफर ऑटो पे रिवोक हो जाती है. तो रीजनेबल टाइम का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे नजर आता है. देन आपने अपनी ऑफर में कुछ कंडीशंस लगाई थी. आपने कहा था कि मुझे 3 दिनों में जवाब दे देना, मुझे जवाब खत में चाहिए. अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर आपकी ऑफर ऑटो पे रिवोक हो गई. आपको जवाब खत की बजाय
मैसेज पे आ गया, कॉल पे आ गया आपके गिर में, सॉरी माजरत, क्योंकि आपने मेरी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो ये ऑफर अब खत्म हो चुकी है, मैं आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मान रहा, मैं आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मान रहा क्योंकि अब ये कंडीशनल थी और आपने अपनी आपने मेरी कंडीशंस की पासदारी नहीं की, सो माजरत के साथ ये चीज अब वैलिड ही नहीं है। अगर ऑफरर की डेथ हो जाए, ऑफरर इनसेन हो जाए, पागल हो जाए, उसका दिमागी तवाज़न हिल जाए, तो भी आपकी ऑफर ऑटो पे रिवोक हो जाती है, मगर जरूरी है कि एक्सेप्टर को बिफोर एक्सेप्टेंस ये बात पता चल गई हो, ये बहुत जरूरी, उसकी नॉलेज में आ गया हो बिफोर एक्सेप्टेंस। मैंने खत भेजा अपने दोस्त को दूसरे शहर, अभी खत उस तक नहीं पहुंचा और मैं फर्ज करे इनसेन हो जाऊं, मगर दूसरी पार्टी को खबर नहीं है, उसने अपने ध्यान में मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, अब ये वैलिड हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा क्योंकि उसको खबर नहीं थी, उस तक खबर भी हमने पहुंचानी है कि भाई अब ये बंदा उस पोजीशन में नहीं है कि ये ऑफर या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके, अब ये इंसेन हो चुका है या इसकी डेथ हो चुकी है, तो बिफोर एक्सेप्टेंस ये बात दूसरी पार्टी तक पहुंचाना जरूरी है, और अगर एक्सेप्टेंस हो जाए और उसको पता ही ना हो तो फिर वो बाइंडिंग एग्रीमेंट बन जाता है, फिर वो एक एग्रीमेंट की शक्ल इख्तियार कर देता है। देन आपने ऑफर की, दूसरी पार्टी ने एक्सप्रेसली उसको रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, उसने कहा मुझे कबूल ही नहीं, बड़ी वाजिया उसने इनकार कर दिया, ऑफर खत्म हो गया, ऑफर खत्म हो गया। तो अगर एक्सेप्ट ना हो या एक्सप्रेसली रिजेक्ट हो जाए, इट मींस ऑफर अब लैप्स कर चुकी है। एक ऑफर जो कि एक दफा एक्सेप्ट हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ऑफर का स्टेटस खत्म हो गया, अब आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अब वो इवॉल्व होके कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस पॉइंट को छोड़ के मुझे बताइए बाकी बातें क्लियर है, बाकी बातों में कोई सवाल एक दफा इसको रीड कर लें और मुझे बताइए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस। जी एनी क्वेश्चन गाइस, ऑफर कब कब रिवोक हो सकती है, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला मुझे बताइए, बातें समझ आ रही है? ये लिस्ट एसेंशियल्स की लिस्ट आई कैब बहुत दफा पूछ चुका है, इस लिस्ट में से वो सिनेरियोस भी बना चुका है, अभी क्लास एंड के ऊपर आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 2 जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपको पोर्टल पे अवेलेबल किए जाएंगे, तो वो आपने छुट्टियों में लास्ट में देख लो, क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे है और ईद से पहले की ये आखिरी क्लास है, तो आपको बताता हूँ कि हमारा क्या सीक्वेंस होगा, ईद पे आपने क्या क्या करना है। तो यहाँ तक ऑल क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं? जी मैंने ग्रुप में एक गूगल लिंक शेयर किया था bit.ly/blaw/OW, उस लिंक पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो वो आपको
एक ड्राइव में ले जाता है और उस ड्राइव के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, किताब भी पढ़ी हुई है, स्लाइड्स भी पढ़ी हुई है, नोट्स भी पढ़े हुए, सब कुछ उसके अंदर मैंने छुपा के रखा है, तो वो आप किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं आज फिर से क्लास खत्म होने के बाद वो लिंक वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है यूसुफ? ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट इज काउंटर ऑफर। कॉन्सेप्ट इज नाउ व्हाट इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर बेसिकली नेगोशिएशन होती है, और ज्यादातर ये प्राइस पे होती है। ए बी, ए ने बी से कहा कि यार मैंने मेहरान बेचनी है, बी ने कहा ठीक है 8 लाख रुपए, मैंने मेहरान बेचनी है 8 लाख रुपए। बी ने कहा यार 8 लाख तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 8 लाख नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 6 लाख रुपया देता हूं। ओरिजिनल ऑफर क्या थी? 8 लाख रुपए। जब उसने 8 लाख को 6 लाख में नेगोशिएट किया, जब उसने 6 लाख कहा बी ने, इसका मतलब है कि ये जो 8 लाख वाली ऑफर थी ये अब लैप्स कर चुकी है, और बी जब ये 6 लाख कह रहा है और ये 6 लाख यहां तक पहुंच रही है, तो अब ये बी की तरफ से क्या है? एक न्यू ऑफर। कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही है, दूसरी पार्टी ने उसको हां करना या ना करना, हाँ कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी तो एग्रीमेंट बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, इनकार करेगी तो खत्म हो जाएगा, सिंपल। मगर यहाँ पे वो इकरार तो कर रहा है मगर साथ बार्गेनिंग कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है, यार देखो 8 लाख बहुत महंगे है, 6 लाख रुपए में डन करते हैं, 6 लाख इज एनफ, डन करते हैं बस। दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। मेरी जो ओरिजिनल ऑफर है 8 लाख रुपए वाली, वो अब लैप्स कर चुकी है, और बी जो मुझे 6 लाख की ऑफर दे रहा है, अब ये उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, याद रखिएगा, ये उसकी तरफ से मुझे यानी कि ए को काउंटर ऑफर। अब आई हैव टू एक्सेप्ट दिस 6 लाख और रिजेक्ट दिस 6 लाख। मैं कहता हूं यार 6 लाख नहीं, 6.5 लाख। अब इस काउंटर ऑफर को मैंने एक और काउंटर ऑफर देके यहां तक पहुंचा दिया, अब ये बी के लिए 6.5 लाख ऑफर हो गई। नाउ बी हैज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। बी कहता है यार 6.5 नहीं 6.20, तो जब उसने 6.20 कहना है ना, इसका मतलब है कि मेरी 6.5 की ऑफर खत्म हो गई और मुझे 6.20 की ऑफर आ गई, जो मैंने 6.5 की ऑफर की थी वो खत्म हो गई है और दूसरी पार्टी से मुझे 6.20 की ऑफर आ गई। तो काउंटर ऑफर बिल्कुल जो उससे पहले की गई ऑफर होती है उसको खत्म कर देती है, रिवोक कर देती है, एंड कर देती है। तो अगर किसी ऑफर के बदले काउंटर ऑफर आ जाए तो ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाती है, लैप्स हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। पूरी स्लाइड पे मुझे बताइए फिर अगर ये क्वेश्चन, कोई सवाल इस पूरी स्लाइड के ऊपर आपके जहन में आ रहा हो तो बताइए। तसल्ली से सुकून के साथ इसको पढ़ लें, समझ लें और मुझे बताइए कोई मसला, कोई परेशानी। आपकी बात, चलो एक काम करता हूं, एक छोटा सा टेस्ट करता हूं आपका।
मुझे बताइए, ए ने बी को ऑफर की, कहा कि यार मुझे अपनी बाइक बेचनी है और वो मुझे बाइक बेचनी है 50,000 रुपये की। मुझे बताइए इसमें ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है? इस मिसाल में ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है? ए मेरा ऑफरर है, और बी मेरा ऑफरी है। ठीक है, क्या इस एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन का एलिमेंट शामिल है या नहीं? क्या इस बात में, इस एग्रीमेंट में, इस ऑफर में मैं कंसिडरेशन का एलिमेंट पुट अप कर रहा हूं या नहीं कर रहा? कर रहा। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन फॉर ए क्या है? पचास हजार। और कंसिडरेशन फॉर बी क्या है? बाइक। ठीक है, बी के पास कितनी तरह की ऑप्शंस है? क्या बी ने सिर्फ एक्सेप्ट करना है? क्या बी ने सिर्फ रिजेक्ट करना है? बी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? बी के पास तीन तरह की ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो एक्सेप्ट कर ले, या तो एक्सेप्ट कर ले, या रिजेक्ट कर दे, या काउंटर ऑफर दे दे, या काउंटर ऑफर दे। अच्छा, सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूं। बी ने कॉल की ए को और पूछा कि तुम्हारी बाइक के फीचर्स क्या हैं और क्या तुम उसको बेचना चाहते हो? क्या ये ऑफर है या नहीं? क्या ये ऑफर है या नहीं? नहीं। दिस इज व्हाट? दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। चलो वापस आए, बी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे बताइए कि ये एग्रीमेंट बनेगा या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? इस पॉइंट पे ये एग्रीमेंट का रूप इख्तियार करेगा या कॉन्ट्रैक्ट का रूप इख्तियार करेगा? ये एग्रीमेंट का रूप इख्तियार करेगा। और अगर मैं इसको लीगलाइज कर लूं, फिर ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको लीगलाइज कर लूं तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट प्लस लीगल बना लो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, जब ये ऑफर रिजेक्ट हो गई, क्या दोबारा बी उसको एक्सेप्ट कर सकता? अगर एक दफा रिजेक्शन हो गई तो क्या दोबारा से उसी ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि आफ्टर एक्सप्रेस रिजेक्शन जो प्रीवियस ऑफर है इज लैप्स्ड, अब वो ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करते। काउंटर ऑफर अगर करे, अगर बी कहे कि यार
50,000 तो बहुत महंगे हैं, ऐसा करो 40,000 रुपया ले लो, तो क्या ये ए को एक्सेप्टेंस गई है या ए को काउंटर ऑफर गई है? क्या ये ए को एक्सेप्टेंस ट्रांसफर हुई है या ए को काउंटर ऑफर ट्रांसफर हुई है? ये ए को काउंटर ऑफर ट्रांसफर हुई है। अब अगर ए कहे कि यार 40 तो बहुत कम है, 45 कर लो, ये क्या है? 40 तो बहुत कम है, 45 कर लो। अब ये नई ऑफर ट्रांसफर हुई है, समझ आ रही बात? तो ये इस तरीके से सर्कल चलता है। हर काउंटर ऑफर पिछली ऑफर को खत्म कर देती है। जब ए ने कहा बी से कि यार 40 बहुत कम है, 45 कर लो, तो अब ए की तरफ से ये 45,000 की जो नई ऑफर है ये बी तक ट्रांसफर हो गई। इसने क्या किया, इसने इस ऑफर को लैप्स कर दिया और अब ये स्टैंडिंग ऑफर बन गई है। बी अगर मान जाए, एग्रीमेंट बन जाएगा, बी अगर कहे कि यार छोड़ो मैंने तुमसे खरीदनी नहीं, तो खत्म होगी बात। यहां तक तमाम पिक्चर क्लियर होगी? जी यहां तक पिक्चर क्लियर है। अच्छा, ए अगर कहता कि यार मुझे तुम्हें एक व्हीकल बेचनी है, तुम्हें एक गाड़ी बेचनी है, बी कहता कौन सी, ए कहता यार बस मुझे पता ना मैंने तुम्हें कुछ बेचना है, तो क्या ये ऑफर कहलाएगी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ये क्या होनी चाहिए, सर्टन एंड डेफिनेट, सर्टेन एंड डेफिनेट। अच्छा, ए ने ऑफर कर दी और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस के बाद बी को पता चला कि ए मर चुका है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि लीगली इनफोर्सेबल हो चुका था, ऑफर ही स्टाम्प पेपर की हुई थी। तो चूंकि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसको नहीं पता था कि ए की डेथ हो चुकी है या ए इनसेन हो चुका है, इस बी को एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं पता था कि ए इनसेन है या ए मर चुका है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर इसको पता चल गया हो स्टिल वो एक्सेप्ट करे, तो फिर वो ऑफर ही खत्म हो जाती है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? और ए के मरने के बाद उसके लीगल वारसान वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं। यहां तक सारी पिक्चर क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में सिंक हो गए। क्या ए अपने आप को ऑफर कर सकता है? क्या ए अपने आप को ऑफर कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी तस्वीर खींच ले, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज। डन हो गया, ले लिया। ओके जनाब, हमने ऑफर को कंप्लीट किया, ऑफर हमें समझ आ गया।
अब कहानी आती है एक्सेप्टेंस। चैप्टर का नाम क्या है? ऑफर, हमने पढ़ लिया। एक्सेप्टेंस हम पढ़ने लगे। एक्सेप्टेंस, जिस बंदे को आपने ऑफर की थी, द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, द पर्सन टू होम द ऑफर या प्रपोजल इज मेड, अगर तो वो अपनी असेंट सिग्निफाई कर दे। याद है हमने कल क्या पढ़ा था? जिस बंदे को कहा जा रहा है कि भाई कबूल कर लो, अगर तो वो कबूल कर ले, सिग्निफाई कर दे अपनी असेंट, इसका मतलब है कि ये प्रपोजल, ये ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है। एक्सेप्ट हो चुकी है। ए ने बी से कहा बाइक, बी ने कहा ओके दे दो, मेरी एक्सेप्टेंस हो चुकी है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस बन चुका। और अगर इसमें मैं कंसिडरेशन का एलिमेंट ऐड कर दूं तो ये एग्रीमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने ऑफर के कुछ एसेंशियल्स देखे थे, अगर वो आपको एसेंशियल्स क्लियर है तो एक्सेप्टेंस के भी एसेंशियल्स कुछ ऐसे ही है। एक्सेप्टेंस जब आप कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। अगेन, किसी भी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लैरिटी होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऑफर को मैं कंडीशनल बना सकता हूँ, एक्सेप्टेंस को मैं कंडीशनल नहीं बना सकता, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि अगर मैंने कोई कंडीशन उसमें ऐड कर दी तो वो मेरी एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, वो मेरी काउंटर ऑफर कहलाएगी। ये बात अब आपको अच्छी तरह पता। तो एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है कि वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस मैं ये नहीं कह सकता कि अगर 3 दिन में तुमने ये काम ना किया तो मैं तुम्हारी मैदान नहीं खरीदूंगा। मैदान खरीदनी है तो खरीदो, नहीं खरीदनी तो ना खरीदो। एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आई हैव नो राइट कि मैं उसमें कोई कंडीशन डाल सकूं, और अगर मैं डाल दूं तो फिर लॉ कहता है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो काउंटर ऑफर है। पहला पॉइंट हमें क्लियर हो। एक्सेप्टेंस रीजनेबल मोड में करनी चाहिए। एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने खत भेजा और मैंने खत में लिखा हुआ है कि इस खत का जवाब मुझे खत में देना। अब ये मैं दूसरी पार्टी पे कंडीशन इम्पोज कर दी थी, उसको मैंने बाउंड कर दिया था कि अगर तो खत का जवाब खत में नहीं आएगा तो मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। तो अगर तो मैंने मोड डिफाइन किया हुआ है तो एक्सेप्टेंस उसी मोड में होनी चाहिए। अगर तो मैंने मोड स्पेसिफाई किया हुआ है, मैनर स्पेसिफाई किया हुआ है, तो फिर उसी मैनर में करो, अदरवाइज ना करो। और अगर मैंने कोई मोड, कोई मैनर स्पेसिफाई ही नहीं किया तो फिर जो उस वक्त यूजुअल तरीके से लोग एक्सेप्टेंस करते हैं वैसे कर दो, कॉल पे बता दो, व्हाट्सएप कर दो, खत लिख दो। खत तो खैर आजकल इतने कॉमन नहीं है, व्हाट्सएप भी कॉमन है तो आप वहां भी मुझे बता सकते हैं। देखना क्या है इसमें, हमें देखना यह है कि क्या ऑफर के अंदर वो मोड बताया गया या नहीं बताया गया। और अगर तो बताया गया है, इसका मतलब है कि वो कंडीशनल ऑफर है, वो कंडीशनल ऑफर है। तो अगर मोड बताया तो उस मोड पे करनी है, और अगर नहीं बताया तो जो रीजनेबल मोड आपको लग रहा है उस पर कर दो। अगर आपने उस मैनर में नहीं की जो मैनर आपको प्रिस्क्राइब किया गया था ऑफर के अंदर, मैंने कहा था कि भाई खत का जवाब खत में देना, लिख के भेजा था, और उसने खत का जवाब खत से नहीं दिया, खत का जवाब व्हाट्सएप पे दे दिया, खत का जवाब व्हाट्सएप पे दे दिया। अब मेरे पास ये ऑप्शन है, आई हैव द ऑप्शन कि मैं चाहूं तो उसके उस रिप्लाई को मान लूं, एग्री कर लूं, चलो कोई बात नहीं, और अगर चाहूं तो जिद पे आ जाऊं और कहूं नहीं, खत का जवाब खत पे ही देना है, अदरवाइज मैं नहीं मांगता। दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि उसकी वो
गलती को अपना ले। अगर उसने खत का जवाब मैसेज पे दे दिया है तो कोई बात नहीं, खैर है, दोस्त मेरा चलता है। बट एक और बात भी है कि जब कहा था खत का जवाब खत पे देना, तो फिर खत का जवाब खत पे दो। If acceptance is not made in manner prescribed, offerer shall insist, वो insist कर सकता है कि भाई वो उसी मोड में चाहिए, otherwise मैं कबूल नहीं कर रहा। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि वो insist ना करे और कहे कि यार ओके खैर चलता है। और अगर आपने टाइम डिफाइन किया गया था ऑफर में, आपने टाइम लिख के भेजा था और एक्सेप्टेंस उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं हुई तो ऑफर ही खत्म हो गई। और अगर उस टाइम पीरियड के बाद आपको एक्सेप्टेंस आ रही है तो आप क्या कहेंगे कि भाई खत्म, निश्चित खत्म, ओके टाटा बाय बाय, खत्म हो चुका सब कुछ, तुमने बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आपको। बट अगर कोई रीजनेबल टाइम मेंशन नहीं था, कोई टाइम मेंशन था ही नहीं, तो फिर रीजनेबल टाइम देखा जाएगा एक्सेप्टेंस का। और अगर वो रीजनेबल टाइम में भी नहीं कर रहा एक्सेप्टेंस, तो फिर वो बात ही खत्म हो जाएगी। जो बंदा एक्सेप्टेंस दे रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो किस चीज की एक्सेप्टेंस दे रहा है। He must be aware of the proposal. उसको पता होना चाहिए कि असल ऑफर है क्या। इसका मतलब ये है कि आप किसी से जबरदस्ती एक्सेप्टेंस नहीं करवा सकते, आप किसी से जल्दबाजी में एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस दूसरी पार्टी को उसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो, उसको जब तक क्लैरिटी ना हो कि असल में ऑफर है क्या, असल में हम बात क्या कर रहे हैं। अगर तो उसको वो प्रॉपर नॉलेज है तो फिर तो ओके, और अगर नॉलेज नहीं है तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, इवन दो कि वो आपको एक्सेप्ट करके दे भी रहा है। इफ इज अनअवेयर तो फिर ये नहीं मानी जाएगी। और एक्सेप्टेंस जो है वो हमें ऑफर के लैप्स होने से पहले पहले तो दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लैप्स हो जाए तो वो ऑफर ही खत्म हो जाता है। ये चार बातें जरा मुझे बताइए कि आपको ये चार बातें क्लियर। ऑफर हमें पता है कि एक्सप्रेस भी दी जा सकती है, इम्प्लाइड भी दी जा सकती है। इसी तरह एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकती है और थ्रू कंडक्ट भी हो सकती है, ये बात तो कॉमन है, ये हमें पता है। याद रखिएगा एक्सेप्टेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। अब ये नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेप्टेंस क्या है बताता हूं। ए ने बी को कहा कि यार मैं तुम्हें अपनी मैदान बेचना चाहता हूं 8 लाख रुपए में, अगर तुम्हारे खत का जवाब 3 दिन में नहीं आया तो मैं ये समझूंगा कि तुम मेरी इस ऑफर को मान चुके हो। अगर जवाब 3 दिन में नहीं आया तो मैं ये समझूंगा कि तुम मेरी ऑफर कबूल कर चुके हो। इस तरह की एक्सेप्टेंस अलाउ नहीं है, ये है नेगेटिव एक्सेप्टेंस। नेगेटिव क्या होती है कि जब आप खामोश हैं और आपकी खामोशी आपकी रजामंदी के इक्वल मानी जाए, खामोशी इज इक्वल टू रजामंदी। अगर तुमने उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया तो ये अज्यूम किया जाएगा कि तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। खामोशी इज नीम रजामंद। ये काबिले कबूल नहीं, क्योंकि इसके पीछे रिस्क है, हो सकता है कि वो खत दूसरी पार्टी तक पहुंचेगा,
हो सकता है कि पहुंच जाए और बी इनकार कर दे मगर ए तक वो खत पहुंचे ना, वापस ही ना आए, या ए को मौसूल भी हो जाए और ए उसको छुपा दे। तो नेगेटिव कंफर्मेशन कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। आगे आपको सवाल में फंसा सकता है नेगेटिव कंफर्मेशन लेके, और वो कहे कि यार चूंकि दूसरी पार्टी की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा था तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि अब ये ऑफर मानी गई है, ऑफर एक्सेप्ट हो गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए या इम्प्लाइड होनी चाहिए। खामोश अगर आप रह रहे हैं और इस खामोशी का मतलब ये माना जा रहा है कि आपने ये चीज कबूल कर ली है, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, ये गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? यहां तक बात समझ आ गई सर? ओके, तो एक्सेप्टेंस तो इतनी है। अब किताब में एक कॉन्सेप्ट है रेवोकेशन का, ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकती है, ये हम लोगों ने देख लिया, लैप्स वाली बात हम लोगों ने पढ़ ली। एक रूल होता था पुराने जमाने में, क्योंकि खतों से डिलीवरियां होती थी, खत जाते थे, खतों का जवाब आता था, एक पोस्टल रूल होता था। तो उस पोस्टल रूल को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इन द टर्म्स ऑफ रेवोकेशन, कि ऑफर कब कंप्लीट होती है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है, कौन कब बाउंड होता है। तो ये हमारा टारगेट था जुमे वाले दिन का, यानी कि कल का, बट चूंकि कल से हमें छुट्टियां हो रही हैं, तो मैं ये कर रहा हूं कि आज इस क्लास के बाद आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो जिसके अंदर वो रेवोकेशन वाला कॉन्सेप्ट होगा, और एक और वीडियो होगी जिसके अंदर इस चैप्टर के पास्ट पेपर्स होंगे, ताकि ईद में आप ये पूरा चैप्टर स्क्रैच से तैयार कर सकें, और जब हम लोग वापस मिलें तो चैप्टर नंबर 3 से दोबारा से स्टार्ट करें। तो इस लेक्चर के बाद पोर्टल के ऊपर, LMS के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी जिसके अंदर कॉन्सेप्ट रेवोकेशन का डिस्कस हो रहा होगा, जिसमें मैं आपको पोस्टल रूल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। और एक अलग से वीडियो मिलेगी जिसके अंदर पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस हो रही होगी, तो वो आपने दोनों वीडियोस देख लेनी है। अगर मैं उनको कंबाइन कर सका तो कंबाइन कर दूंगा, नहीं तो वो दो अलग अलग वीडियोस आपको मिल रही होंगी, और आपने छुट्टियों में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट तैयार कर लेना। हमारा पहले भी यही एम था, बट फ्राइडे को अब ऑफ है, अदरवाइज हमने बातें फ्राइडे पे करनी थी, यानी कि कल करनी थी। नहीं, ये वाली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक फॉरवर्ड करवा दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैं उसी ड्राइव में डाल दूंगा। एक काम करते हैं, LMS के ऊपर तो होंगी होंगी, वो जो ड्राइव है ना, मैं उस ड्राइव के अंदर भी इसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, ताकि अगर आपसे LMS पे मिस हो गई तो आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और विद दोस टू वीडियोस आपका चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा। ईद तक आपने इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना है, टेक्निकल चैप्टर है, समझने में लगता है कि समझ आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, बट जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, तो फिर चीजें थोड़ी सी मिक्स होती हैं, तो आपने उस मिक्सचर से भी बाहर आ जाना और आपने उसको अच्छे से तैयार करना। डन, तो सी यू गाइज टुमारो, और नॉट टुमारो, सी यू गाइज आफ्टर ईद, और इंशाल्लाह ताला ईद मुबारक इन एडवांस। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आपके घर वालों को खुश रखे, और आपको इस काबिल बनाए कि आप अपने घर वालों की तमाम मुरादें पूरी कर सके। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीक आफ्टर ईद, मोस्ट प्रोबेबली ऑन थर्सडे, थर्सडे या फ्राइडे में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। ओके, ये मेरी लास्ट बात समझ आ गई थी व्हाट्सएप वाली। Done. Allah Hafiz.